हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमक रोटी खाएंगे, फिर देश को संवारेंगे। हम भविष्य हैं, भविष्य को निखारेंगे। सरकार देखेगी, फिर एक्शन लेगी। लेकिन फिर से क्या यही दिन नहीं आएंगे? सरकारी स्कूलों की हालत को परखना है तो इस तस्वीर को देखिए। पेट की आग से आहत भविष्य की पहचान को प्रशासन अपने नापाक मंसूबों से कैसे ध्वस्त करता है, इसे समझना है तो इस तस्वीर को देखिए, जो निहायत ही शर्मनाक है। शर्म किनको करना चाहिए ये तो वो तय करे, लेकिन इस तस्वीर को देख शर्म मारे शर्म से शर्मिंदा है। देश में स्कूलों की अवस्था कैसी है, इसे समझना है तो मिर्जापुर आइए। महसूस कीजिए जिंदगी के ताप की तपिश को, जहां बचपन की जिंदगी मुरझाई हुई गुनाहों के देवताओं के कर्म पर खुद को निखारने के लिए नमक और रोटी खा रहे हैं। अब हम क्या समस्या बताएं, समस्या तो खुद ही बच्चे वाले बच्चे हैं, जाकर हमला करते हैं, हम क्या बताएंगे? जब बच्चे बताएं और लोग चढ़ कर आए हमसे पूछेंगे, हम क्या बताएं? सर हम कहते हैं, सर हमको डांटने लगते हैं। क्या बोलते हैं? सीधे कहते हैं आपसे मतलब नहीं। अच्छा, ये बच्चे जो नमक खाते हैं आपको देख के कैसा लगता है? नमक रोटी खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं सर, भैया अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा पद नहीं है। इसमें हेड मास्टर भी नहीं आते, क्यों, क्या कारण है? वो हेड मास्टर कहते हैं कि हम दूरी के हैं, हम आते हैं तो छेड़खानी करते हैं इधर के, इसीलिए वो कहते हैं कि हम डेली नहीं आ पाएंगे, दूर है, छेड़खानी की वजह से हम किसी का आदमी नहीं ले पाएंगे। स्कूल में समस्या है कि सर कि यहाँ पर सही समय समय से भोजन नहीं मिल पा रहा था, कहियो नीमक रोटी मिलत बा, कहियो चावल नीमक मिलत बा, दूध आई तो 10 लीटर के बटी, 10 लीटर के ना बटी, केला आई तो थोड़ा 10 लीटर 12 लीटर मिल रहा, फिर केला भी घरे चल जात बा, यही कुछ समस्या बा। ये समस्या कब से आ रहा है? ये कम से कम समस्या साल भर से हो। इसमें मास्टर उस्टर कितने हैं? मास्टर में 3 ठे पढ़ावन जानी ला, और 3 मास्टर में 1 जने खाए मास्टर पढ़ावा नहीं शांति, और तो कोई मास्टर का गायब नहीं लुकता। और एक दिन नीमक भात खा ले गए। अच्छा, और आज क्या खाई हो? आज नीमक रोटी। क्या किस क्लास पढ़ती हो? 5वीं। क्या नाम है आपका? बीठा। पढ़ाई होता है? हाँ। आज दूध मिला है? जमालपुर ब्लॉक के सियूर प्राथमिक विद्यालय से निकलकर आई सिस्टम की यह भयावह तस्वीर वाकई में रुलाने वाली है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं और थाली में उन्हें मिड डे मील के रूप में नमक और रोटी दिया जा रहा है। मासूम बच्चे इच्छा नहीं होने के बावजूद नमक और रोटी खाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लोगों की सुमा पर भी ये बात अक्सर आ ही जाती है कि इस स्कूल में अक्सर बच्चों को खाने के नाम पर नमक रोटी या नमक और भात दिया जाता है। एक जमालपुर का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सियूर, वहाँ 2 अध्यापिकाएं हैं, एक प्रधानाध्यापिका है, एक शिक्षा मित्र है। प्रधानाध्यापिका अवकाश पे चली गई है, शिक्षा मित्र है, और उस विद्यालय का चार्ज किसी दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि उस विद्यालय पे MDM में आज सिर्फ रोटी बनी थी, सब्जी नहीं बनाया गया था। अभी मैंने ABSA से आख्या मांगी है, यह गंभीर लापरवाही है। अगर MDM के लिए पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, नियमित रूप से उसके लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है, तो मिड डे मील गुणवत्तापूर्वक बनवाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की है। साथ में अगर कोई स्टाफ है और उसके समय में भी ये नहीं हो पा रहा है, तो विभागीय अधिकारियों को ये अवगत नहीं कराया जा रहा है, अगर कोई विसंगति है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी संभावित है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक मैसेज जाता है मिड डे मील को लेकर, नमक रोटी खाते हुए बच्चे हैं, मतलब क्या विभाग का है? गंभीर आपत्तिजनक है, मैं तो इसको कड़ाई से इस पर कार्रवाई करूंगा। बच्चों को नमक और रोटी बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच के बाद 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या इस सिस्टम में लगा दीमक सिरे से हट जाएगा, जो नींव की बुनियाद को खोखला करता गया है? क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? सोचिए, जवाब मिले तो दीजिएगा जरूर।